Divya and welcome back to my YouTube channel. I hope that you guys are doing absolutely well, and as the title suggests, in today's video we are going to test 5-Minute Crafts के कुछ very viral food hacks. And I have been seeing such videos on YouTube, like they are so much in fashion and trend these days, and I was planning to do it for a very long time, and finally I am doing it, and I'm super excited because ये जो 5-Minute Crafts की वीडियो है, I've been seeing them on YouTube, on Facebook, like while scrolling the Facebook, they just pop up and they are so funny. और बहुत ज़्यादा curiosity होती है कि काम भी करेंगी कि नहीं करेंगी, and just to check them out. And I just hope that you will like this video. अगर ऐसा हो जाता है, then do click on the like button. And if you're coming for the very first time on my channel, then do consider subscribing to my channel. And yeah, that's all about this video. Let's quickly start with this video. So yeah, let's get started. Okay guys, for the first hack, I am going to try this hack जहाँ पे they are making this cola candy. So they have taken this plastic pouch and then butter knife से उसको half कर लिया है and then उसके अंदर कोको कोला भर दिया है, freeze करा है, and the candy is ready. So yeah, let us also try and do this. Guys, for the first hack मेरे पास है यहाँ पे दो ये pouches और है ये butter knife जिससे मैं इसको कट करने वाली हूँ. So चलो करते हैं इसको. Okay, so पहले हम इसको heat कर लेंगे थोड़ा सा low flame पे या फिर medium flame पे. अब इसको हम कट कर लेते हैं. I hope कि ये सीधा कटे because ये मुझे बहुत डर लग रहा है. मैं थोड़ी nervous भी हो रही हूँ. ओह अच्छा खासा गर्म हो गया ये तो. सही कटा है लगता है. Okay, so मैंने इसको दो पीसेस में कट कर लिया है. अब हमें इसमें भरनी है कोका कोला. सो एक जो मैंने लिया था ऑलरेडी थोड़ा सा उससे साइड में कट था, तो मैं इस वाले को ट्राई करती हूँ. इसको पहले हम ऊपर से ओपन कर लेते हैं. क्या लगता है जाएगी? Okay, are we ready? Oh no! Oh. So guys, ये लीक हो रहा है थोड़ा सा. I think हमने भी सॉलिड ही प्लास्टिक लिया है, ये इतना भी वो नहीं है, इतना है ये थिक, but this is leaking like this. तो हमारी कोक जो है वेस्ट हो चुकी है. एक और बार ट्राई करना चाहिए. Okay, ये एक और जो हमारा दूसरा वाला था इसमें ट्राई करते हैं. Okay, इसमें भी इसी तरीके का लीकेज है. ये भी थोड़ा फ्लॉप ही लग रहा है मुझे. पूरा यहाँ पे किचकिच हो गया, ये पूरा लीक हो रहा है. तो आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा. ये बहुत ही ज़्यादा इररिलायबल है. इससे तो अच्छा है कि आप मोल्ड लो और उसमें कोका कोला डालो और कैंडी बना लो, रैदर देन ये कटिंग एंड दिस एंड ऑल, और उसके बाद ये फ्लॉप. ओके, सो नेक्स्ट हैक जो मैंने इनका ट्राई करा है उसमें इन्होंने एक एप्पल लिया है, उसको फ्रीज करा है काफ़ी टाइम तक एंड देन उसको बाहर निकाल के डिफ्रॉस्ट करा है एंड उसका जूस निकाला है. सो यहाँ पे मेरे पास भी है एक एप्पल. इसको मैंने काफ़ी देर तक फ्रीज़र में रखा, आई थिंक 5-6 आवर्स तक रखा, एंड देन उसके बाद इसको बाहर निकाल के रख दिया. और अभी ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है, कुछ कुछ एरिया से काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है. एंड लेट्स सी, मेरे पास ये ग्लास है, अभी इसको करके देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा. सो मैं इसको अच्छे से भी कर रही हूँ, तो इसका पल्प बाहर निकल रहा है. नो बट जूस का कोई एंगल नहीं लग रहा है, जूस का इसे नहीं आ रहा है, सारा पल्प आ रहा है, बूंद भी नहीं आ रही है. बिल्कुल टोटली फ्लॉप है, बहुत ही ज़्यादा बकवास वाहियात. इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ देख सकते हो आप क्या हुआ है. इससे कोई जूस वूस नहीं आया, ये पल्प आ गया है सिर्फ, और एप्पल वेस्ट हो चुका है. सो ये जो हैक है बिल्कुल ही थम्स डाउन है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. ओके गाइस, नेक्स्ट जो हैक मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ये एग वाला हैक. इसमें इन्होंने 2 to 3 एग्स दिया है, उनको बीट करा है, देन उसको पेपर बैग में डाल के उन्होंने इसको फ्राई पैन पे डाला है और एक अच्छा सा स्टाइल बना के कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन इसका एग डोसा टाइप बना दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में. सो लेट्स गो इन द किचन एंड ट्राई दिस आउट. ओके, सो वापस से आ गए किचन में, और इस हैक के लिए मेरे पास हैं 3 एग्स जिनको मैं अभी बीट करने वाली हूँ बहुत अच्छे से, एंड देन इसके साथ हम कलाकारी करेंगे ऑन दी फ्राइंग पैन. सो पहले इसको बीट कर लेते हैं. पेपर बैग में, बिकॉज मेरे पास पेपर बैग नहीं है तो मैं यहाँ पे केचप बॉटल यूज कर रही हूँ और उसमें मैं अब इसको डालने वाली हूँ। सो इसको डाल लेते हैं, देन फ्राइंग पैन पे जाएंगे। चलो अब इसको डालते हैं इस पे। यहाँ पे मेरी चाची जो है मुझे हेल्प कर रही है और हम ये थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा है ये कितना भी कोशिश करने पे ओके, आई थिंक वो लोग वाइट पार्ट नहीं डालते हैं क्या, सिर्फ येलो ही डालते हैं, ऐसा उन्होंने बताया नहीं है, बट लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ येलो पार्ट डाला था बिकॉज ये बहुत एक साथ इकट्ठा हो रहा है, उनके जैसा इतना प्रिसाइज और अच्छा सा नहीं आया है। इसको हटा के देखते हैं एटलीस्ट। अब ये ओके काला भरता बन चुका है, मैं थोड़ी देर ज़्यादा देर रख दिया इसको, ठीक है, नॉट बैड। क्या से क्या हो गया। ओके गाइस, तो हम इसको अब एक बार बैग में भी डाल के ट्राई कर रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है शायद उसका होल थोड़ा बड़ा ना हो। इससे ट्राई करके देखते हैं कि कुछ बनता है कि नहीं। उतना परफेक्शन नहीं आ पा रहा उनके जैसा, आई थिंक वो सिर्फ येलो ही यूज़ करते हैं, ये कुछ तो ट्रिक है उनकी। उससे बेटर हुआ है, उस वाले से बेटर हुआ है। तेल कम डाला था इस बारी। शिट। क्या हुआ है? नो 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 नो, ये वाला टुकड़े टुकड़े, ये वाला कुछ ज्यादा ही टुकड़े टुकड़े हो चुका है। ओके गाइस, सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट एंड आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल ऑमलेट की तरह बन गया है। कुछ भी वैसी प्रेजेंटेशन नहीं आई जैसे उन्होंने दिखाई थी। इनफैक्ट मैंने इसको दोनों तरीके से ट्राई करा, मैंने इसको एक पाउच वाले प्लास्टिक बैग में भी करके ट्राई करा, मैंने इसको केचप बॉटल में भी ट्राई करा, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी फर्क पड़ा है। ये बिल्कुल ही टेस्ट में तो सही है ऑफकोर्स, बट प्रेजेंटेशन इसकी वैसे नहीं है। सो आई थिंक ये हैक भी फ्लॉप है, जैसा उन्होंने दिखाया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो अगेन अ थम्स डाउन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हैक जो मैंने ट्राई करा है वो है ये ब्रेड पीनट बटर वाला हैक। इसमें ये लोग ट्राई कर रहे हैं ब्रेड पे पीनट बटर लगाने का, बट वो अच्छे से स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है, तो इन्होंने बटर पेपर लिया एंड उसके ऊपर करा है एंड देन यूज करा है। सो इस हैक को ट्राई करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज पीनट बटर ब्रेड हम लोग हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है और कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो अच्छा लगेगा अगर ये हैक काम कर जाता है। सो लेट्स गो इन द किचन एंड ट्राई इट आउट। फॉर दिस हैक आई हैव पीनट बटर विद मी एंड आई हैव बटर पेपर। अभी इसको इस पर लगा के देखते हैं और देखते हैं कि कितना हमारा लाइफ ईजी हो जाता है इसको यूज करने से। सो लेट्स डू दैट। Let's put this in freezer and we'll check it after some time. 2 hours later. Okay guys, so I'm back और यहाँ पर है मेरे पास ये पीनट बटर वाला बटर पेपर और इसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज करके रखा है। आई थिंक 1 to 2 आवर्स मैंने इसे फ्रीज करा है। अभी देख लेते हैं कि इसका क्या है। So I'm just hoping कि कुछ अच्छा हो। Okay, so कुछ भी नहीं हो पा रहा है। Oh, no. मतलब थोड़ा बहुत हुआ है बट उम्र सारी कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली आई थिंक इसको जब फ्रीज करने रखते हैं तो थोड़ी देर फ्रीज हो रहा था, मैंने बीच में चेक करा, बट जैसे ही आप इसको फ्रीजर से बाहर लेके आते हो ना तो ये वापस से ऐसा ही हो जाता है। एंड आई रियली डू नॉट थिंक कि इतना वर्थ है कि आप पहले रेस पेपर पे इसको लगाओ देन आप इसको फ्रीज करो 2-3 आवर्स के लिए। आई थिंक पीनट बटर वगैरह मैं जब भी खाती हूँ मैं हमेशा कहीं जल्दी में होते हैं, रश में होते हैं, तब हम इसको खाते हैं, बट इसके लिए आपको 3-4 आवर्स वेट करना पड़ेगा और उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। एक ये फ्रीज होता है बट जैसे ही आप इसको फ्रीजर से बाहर लाते हो दोबारा इसका यह हाल हो जाता है। आई डोंट थिंक सो, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटली फ्लॉप। ओके गाइस, सो ये थे सारे हैक्स जो कि मैंने ट्राई करे इस वीडियो के लिए एंड मुझे ये सारे हैक्स काफ़ी एवरेज लगे, कुछ बहुत अच्छे से काम नहीं करे, बट आपके जो भी थॉट्स है डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं देन डू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है देन डू लेट मी नो एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।